नमस्कार नमस्कार। बॉलीवुड में रामा भट्ट, बॉलीवुड फोटोग्राफर, कैमरामैन और आपका दोस्त। और अभी मैं आया हूँ शिवाला घाट पर, जो कि बनारस में है, काशी में है, महानिर्वाणी घाट। और इस मंदिर परिसर में मैं शूट कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत लोकेशन। यहाँ मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, 2018 में आया था, उसके बाद अभी आया हूँ। देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा है। और मैं अपनी फिल्म जो है कर रहा हूँ, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लोकेशन है यहाँ पर। ये देख सकते हैं यहाँ पर काशी बोलते हैं इसको, काशी। यहाँ पर घाट पे नहाना बहुत ही अच्छा होता है। आज हमारी 2-3 शिफ्टिंग है, तो मैं जल्दबाजी में ये ब्लॉग बना पाया हूँ। दिन में टाइम होते हुए भी नहीं बना पाया, लेकिन अभी बना के मैं फाइनल कर रहा हूँ इस ब्लॉग को। खूबसूरत नज़ारा आपके पास लाना चाह रहा हूँ, देख सकते हैं आप। इसको हरिश्चंद घाट भी बोलते हैं यहाँ पर, हरिश्चंद घाट बहुत ही खूबसूरत है। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर कोई आदमी मर जाए या यहाँ पर जो है किसी की आत्मा चली जाए तो उसको पुण्य मिलता है, तो इस बनारस काशी का यही एक प्राचीन महत्व है। और सबसे बड़ी बात है काशी विश्वनाथ का यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर है, विशाल का। ये हम गए थे तो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही चेंज हो चुका है पहले से। तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ बनारस, बहुत ही खूबसूरत है बनारस ये। और मोदी सरकार ने जो ये डेकोरेशन जो यहाँ पर ये पत्थर बिछवाए हैं खूबसूरत लोग, तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा यूपी सरकार की और मोदी जी की, जो सांसद हैं यहाँ पे, जिन्होंने अच्छा काम किया है। अभी शाम के 5:30 बजे रहे, लेकिन अंधेरा जैसा होने वाला है अब। तो हमने इसके ऊपर भी जाके शूट किया, वो सामने दिख रहा है ना वहाँ पे, मैंने फ़ोटो में अपने इंस्टाग्राम में हर जगह फ़ोटो डालूँगा वहाँ पे। तो मैं अपनी जो है फिल्म शूट कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरी दूसरी फिल्म भी यहाँ पे आने वाली है इसके बाद। और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है मेरा, और बहुत ही व्यस्त हूँ, काफ़ी टाइम हुआ है शूट करते हुए, अच्छा लग रहा है। और मैं अपने साथ जो है आज आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ शूट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो ये आज मैं कर रहा था हरिश्चंद घाट, मेरे पीछे से आप सबके हरिश्चंद घाट है, बहुत ही अच्छा है। मैं नहाना चाह रहा था, अभी नहा नहीं पाया यहाँ पर, और क्योंकि मैं काम पे व्यस्त ज़्यादा था तो ब्रेक ज़्यादा नहीं मिल पाया। लेकिन मैं 2 बार भी स्नान कर चुका हूँ गंगा जी पे, लेकिन यहाँ पे चाह रहा था कि मैं एक बार नहाऊँ बोट के बीच पे। लेकिन चलो अभी शायद दूसरा शिफ्ट होगा लोकेशन, मेरे पास कई ऑप्शन है अभी, क्योंकि यहाँ बहुत पूरे हमने इसी शहर में करना है आसपास में। तो चलिए मैं चलता हूँ आगे, आपको ले जाता हूँ। ये खूबसूरत मंदिर यहाँ पर, अपनी कैमरा टीम शिफ्टिंग करते हुए, ये देखिए कितनी मेहनत करते हुए, कितना वजन उठाते हुए भाग रहे हैं। जैसे आप देखो हमारा कैमरा टीम के भाई साहब काम करके थक गया बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं। यहाँ पर अभी आर्ट डिपार्टमेंट जो है अपना अपना सामान उठा रहा है और शिफ्टिंग है, साउंड डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। और अभी हमारा दूसरा शिफ्टिंग है दूसरी जगह, देखो यहाँ पे भी शूट किया हमने ऊपर से, खूबसूरत रहा। महात्मा जी की जय हो। इधर कितना व्यस्त है हमारा दोस्त, जब ये जूते खोले हुए तो मुझे जूते पहनने पड़ेंगे यार। ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ पीछे से। तो ये मैं वॉशरूम से भी आया हूँ बाहर, और देख सकते अभी ये देखो हमारे भाई साहब बड़े व्यस्त हो गए। इस लोकेशन शूट कर रहे थे, इसके अंदर जो है परिवार रहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ हैं, लोडिंग गाड़ियाँ हैं जो लोड हो रही है, टेम्पो वगैरह। दूसरी शिफ्टिंग है हमारी, 2-4 शिफ्टिंग आज बहुत भागदौड़ ज़्यादा है। ये देखिए हमारे पैंथर वाले साहब लोडिंग करते हुए अपनी अपनी गाड़ियाँ, ये देख सकते हैं गाड़ियाँ घुमाते हुए, और ये सब सामान हमारा लोडिंग होते हुए, लाइट ज़्यादा अपना टेम्पो लाइट। ये देखिए भाई सब हमारे रजनीकांत साउथ के सुपरस्टार हैं, और ये लोडिंग कर रहे हैं सामान। अरे कैमरा टीम व्यस्त है, देखो अपनी गाड़ी व्यस्त करते हैं।
कैमरा डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है, एकदम देख सकते हैं आप। उन्होंने लोडिंग कर दिया, हम सब सड़क पे हो साइड में तो लगा देंगे। ये सली भाई है, बहुत व्यस्त है हमारे, बहुत अच्छे दोस्त हैं। बताए हैं मेरी बात सुन, इनकी वजह से मुझे पिक्चर बना लो बन गया बस। ये देख सकते गाने की लोडिंग हो रहा है पूरा, जो प्लस गाड़ियाँ। ये देखो हमारे बहुत अच्छे मित्र दोस्त हैं, बहुत तारीफ करते हैं हमारे पीछे पीछे। चाय दादा है गुप्ता जी, बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं हमको गुप्ता जी। सामान शिफ्ट हो रहा है, डायरेक्शन देखो किस तरीके से लोडिंग हो रहा है, खाने पीने का सामान। ये देखो ये हमारी हेयर ड्रेसर है, जो बहुत खूबसूरत मुस्कुराते हुए जा रही है, मेकअप दादा वगैरह। तो हम यहाँ पे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी साथी, जो कि कॉमेडी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और चलो ठीक है, मिलते हैं आपको, बस ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। इसको जिसका फ़ोन है उसको वापस देना है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। ये ब्लॉग मेरा यहीं ख़त्म होता है, दुर्लभ प्रसाद की दूसरी साथी, नेक्स्ट बाय बाय, लव यू। गाड़ी में जाना है, ले ले अरे ले आज बजाया गया है ना शुभ।